अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब अपने बिजी स्केड्यूल्स में से वक्त निकाल कर आए हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हज 2023 के विषय में दिल्ली हज कमेटी द्वारा जो जो व्यवस्थाएं करवाई गई हैं उनके बारे में मैं आपको विस्तार से बताना चाहूँगी। सबसे पहले जो एक विशेष बात है वो ये है कि इस साल जो हमारा हाजियों का जो प्रशिक्षण शिविर जो हम करते हैं, ट्रेनिंग कैंप जो होता है, उसमें हमने एक नई चीज़ ऐड करी है इस साल, वो है फिज़िकल फिटनेस, यानी कि वर्जिश। और वो इसलिए करी है क्योंकि वहाँ पर जो है वहाँ की जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस है या फिर वहाँ का जो मौसम है वो जो है काफ़ी ड्राई है, तो इस कारण जो है मतलब कई बार समस्याएं आ जाती हैं। और जैसे कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि जो हज यात्रा होती है उसमें फिज़िकल एक्टिविटी काफ़ी होती है, तो उस कारण जो है मतलब कई बार समस्याएं आ जाती हैं, तो इनको अवॉइड करने के लिए, ताकि हमारे हाजियों की यात्रा और आसान और सुखद हो, तो इसीलिए हमने जो है एक फ़िज़िकल फिटनेस का सेशन ऐड किया है, जिसमें कि उन्हें हम कुछ एक्सरसाइजेस हमने बताई हैं ताकि वो फिज़िकली और मेंटली फिट रह सके। और एक और ख़ास बात ये है कि इस बार जो है जो हमारी मौजूदा सरकार है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में लगातार काम कर रही है, और मेरे ख़्याल से सबसे ज़्यादा काम पिछले 8-9 वर्षों में हुआ है, इसी का नतीजा है कि जो हमारी मुसलमान बहनें हैं उनको सशक्त किया गया है। और जब से बिना महरम कि हज यात्रा पर जाने की बात शुरू हुई है, उस समय से महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई जा रही है। और इस साल जो है सब मिला के पूरे भारत से बहुत खुशी के साथ मैं कह सकती हूँ कि कुल संख्या जो है पूरे भारत में बिना महरम की महिलाओं के 4,314 महिलाएं जो कि हज यात्रा पर जा रही हैं बिना महरम के। ये जो है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का एक प्रयास है कि चाहे वो आर्थिक रीजन से हो या फिर हज पर जाने के लिए महिला किसी पर डिपेंडेंट ना हो, वो आत्मनिर्भर बने। और दिल्ली से जो है 39 ऐसी महिलाएं जा रही हैं। दिल्ली स्टेट हज कमेटी दिल्ली के अतिरिक्त 8 और राज्यों के हाजियों के लिए हज ट्रांजिट कैंप की व्यवस्था करती है। पिछले वर्ष कुछ 8,000 हज यात्री थे, लेकिन इस बार यात्रियों की संख्या जो है पिछले वर्ष की तुलना 3 गुना हो गई है, तो इस वर्ष करीब 24,000 यात्री होंगे। दिल्ली स्टेट हज कमेटी ने अपने सभी 22,000 हज यात्रियों के लिए, अभी तक संख्या 22,000 है क्योंकि अभी तक वेटिंग लिस्ट पूरा क्लियर नहीं हुआ है, अभी हम वेट कर रहे हैं, जैसे ही होगा आपको अपडेट किया जाएगा। मैं जो ऐतिहासिक रामलीला मैदान है और उससे निकट दरगाह फैज़े इलाही के कैंपस में पूरी तरह से एक विशाल AC ट्रांजिट कैंप की व्यवस्था की गई है, ताकि हमारे हज यात्रियों को गर्मी और धूप से बचाया जा सके। रामलीला ग्राउंड पर से एयरपोर्ट तक हज यात्रियों के लिए लो फ्लोर AC बसेस की व्यवस्था की गई है, ताकि हमारे हज यात्रियों को, खासकर के वृद्ध यात्रियों को, किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। हज यात्रियों को अपना सामान भी बस में लोड करने के लिए हमने इस बार अलग से लोडर्स की व्यवस्था की गई है, ताकि उन्हें अपना सामान चढ़ाना या उतारना ना पड़े। अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा हज यात्रियों के लिए सरकारी डॉक्टरों द्वारा सत्यापित स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है, तो इस विषय में हमारे हज यात्रियों को कई बार समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, तो इसके लिए हमने हज मंजिल में स्वास्थ्य निदेशालय दिल्ली सरकार को रिक्वेस्ट किया और एक टीम को बिठाया गया हज मंजिल पर, ताकि हमारे आज़मीन हज जो हैं हज मंजिल आएँ और अपना फिटनेस सर्टिफिकेट ले जाएं। और जहां तक करेंसी का सवाल है, उसके लिए SBI द्वारा जो है SBI का काउंटर भी एक लगाया गया है हज मंजिल पे।
हमारे हज कमेटी के एक और ऑनरेबल मेंबर मोहम्मद साद जी, उनका स्वागत मैं करती हूँ। हज यात्रियों की सुविधाओं के लिए SBI का काउंटर लगाया गया है हज मंजिल में, जहाँ पे उनको फॉरेक्स कार्ड और ट्रैवल कार्ड की सुविधा दी जा रही है, उन वहाँ पर उपलब्ध है। हज यात्रियों की सुविधा के लिए MCD, दिल्ली पुलिस, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली फायर सर्विस, स्वास्थ्य विभाग तथा हज से जुड़े अन्य संबंधित विभागों को उचित निर्देश दिए गए हैं। इस विषय में मैंने स्वयं कई बैठकें ली हैं और सबसे हम लगातार संपर्क में हैं, क्योंकि जो हमारा हज ट्रांजिट कैंप है उसमें कई व्यवस्थाओं के लिए इन सबके सहयोग की ज़रूरत हमें पड़ रही है। एयरपोर्ट पर, जी हाँ, जहाँ तक एयरपोर्ट का सवाल है, वहाँ पे हमने GMR और डायल से हम लगातार संपर्क में हैं, और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में FRRO जो हैं हमारे, उनसे भी संपर्क में हैं। CISF से भी हमने रिक्वेस्ट करी है। इस बार एयरपोर्ट की व्यवस्थाओं के विषय में ये है कि हमने अलग से 4 इमिग्रेशन काउंटर बनवाने की रिक्वेस्ट दी है, जो केवल हमारे हज यात्रियों के लिए होगी, ताकि उन्हें लंबी कतारों में ना खड़े होना पड़े, खासकर के महिलाओं को और वृद्ध जो हमारे हाजी हैं उनको, उनकी सुविधा के लिए। और CISF में भी जो है सिक्योरिटी चेक के लिए जो है हमने पूरा प्रयास किया है और उनसे रिक्वेस्ट करी है कि एक्स्ट्रा एक्सरे मशीन्स लगाए जाएं अगर ज़रूरत पड़ेगी, ताकि हमारे हाजियों को जो है लंबी कतारों में ना खड़ा होना पड़े और काफ़ी समय तक वेट ना करना पड़े। और जो हमारे वृद्ध हज यात्री हैं उनके लिए चेक के बाद बगियों की व्यवस्था की गई है, उनकी जैसे आप लोगों को जानकारी होगी T3 पे काफ़ी चलना पड़ता है, तो इस विषय में जो है उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसके लिए हमने खास करके बगियों की व्यवस्था करी है। सिक्योरिटी चेक के बाद हज यात्रियों के लिए एक अलग से पैसेज बनाया जा रहा है, ताकि उनको अन्य यात्रियों के साथ संपर्क में ना आना पड़े, उससे जो है कन्फ्यूजन अवॉइड करने का प्रयास है ये। और बोर्डिंग के टाइम पे, एयरक्राफ्ट में बोर्डिंग के टाइम पे हज यात्रियों के लिए हमने इस बार एरोब्रिज की सुविधा भी उपलब्ध कराई है, ताकि जो खासकर हमारे वृद्ध यात्री हैं या फिर जिनको कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, तो वो उनको जो है सीढ़ियाँ वगैरह ना चढ़ना पड़े। हेल्थ के विषय में जो है यहाँ पर रामलीला मैदान में भी जो है यहाँ पर भी एक मेडिकल टीम होगी, और प्लस जो पास में जो LNJP हॉस्पिटल है वहाँ भी कई बेड्स वगैरह रिजर्व कराए गए हैं, और वहाँ के जो मेडिकल ऑफिसर है उनसे हम लगातार संपर्क में हैं कि हमारे किसी भी यात्री को किसी तरह की आपातकालीन स्थिति का सामना करना पड़े तो हम उससे निपटने के लिए हमारे पास है सब कुछ, मतलब सारा इंतज़ाम रेडी है। एयरपोर्ट पर भी एक मेडिकल टीम को बिठाया गया है, यदि किसी हमारे यात्री की तबीयत एयरपोर्ट पर ख़राब होती है तो उसके लिए जो है एक हमारी मेडिकल टीम मौजूद रहेगी। अच्छा, तो एयरपोर्ट पर भी और रामलीला मैदान में भी एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है, कि भगवान ना करे या खुदा ना खास्ता किसी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाए, उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़े या फिर कहीं भी जहाँ उन्हें मतलब मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पड़े, उसका पूरा इंतज़ाम किया गया है। 22 मई को रात को 1:50 पे हमारा पहला डिपार्चर है, जिसमें कि 413 हज यात्री जाएंगे। बोइंग 777 एयरक्राफ्ट सऊदी एयरलाइंस का ऑपरेट करेगा, ये Terminal 3 IGI एयरपोर्ट से होगा। तो ये पहली फ्लाइट है, इसके बाद इस विषय जी पहली फ्लाइट जो है 22 मई को रात को 1:50 पर डिपार्चर है। इस विषय में 21 मई को रात को 9 बजे Terminal 3 IGI एयरपोर्ट पर हमने एक भव्य समारोह का आयोजन किया है, जिसमें कि हम उम्मीद करते हैं कई केंद्रीय मंत्री और कई वरिष्ठ लोग आएंगे। जी पहली फ्लाइट में 413 लोग जाएंगे। सॉरी एज अ करेक्शन, ये अभी चेंज हुआ है, पहली फ्लाइट में 381 लोग जाएंगे, अभी चेंज होना, 381 इज द कैपेसिटी ऑफ द फर्स्ट फ्लाइट। इसके बाद भी कुछ चेंज हो सकता है, बिकॉज लास्ट मिनट पे कुछ संख्या मतलब और भी घट सकती है,
तो इस विषय में हमने जो है मतलब पिछले वर्ष के मुकाबले एक एक बड़े पैमाने पर एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया है टर्मिनल 3 IGI एयरपोर्ट पे 21 तारीख को रात को 9 बजे। ये कार्यक्रम हमारे हाजियों की विदाई के लिए किया गया है, ये फ्लाइट का प्रोग्राम है और 3 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक वापसी की हज फ्लाइट्स के बाद भी एक विशाल समापन समारोह का आयोजन किया जाएगा दिल्ली स्टेट हज कमेटी द्वारा। ये जो है ये तो अभी जो है अभी देखिए अभी इस विषय में आपको अपडेट किया जाएगा क्योंकि अभी जो है हमारी बातचीत चल रही है कि एयरपोर्ट पे होगा या फिर हज मंजिल में होगा, आपको अपडेट कर दिया जाएगा। पहला समारोह जो है 21 मई को रात को 9 बजे IGI एयरपोर्ट, जी हाँ, डिपार्चर गेट नंबर 8 से एंट्री है टर्मिनल 3 और T3 पर डिपार्चर गेट नंबर 8 को एक्सक्लूसिवली हाजियों के लिए ही रखा गया है। जी हाँ, उस पूरे एरिया को हम कॉर्डन ऑफ करवाएंगे और उससे केवल हाजियों की ही एंट्री होगी। दिल्ली से टोटल कितने हाजी इस बार जा रहे हैं? दिल्ली से टोटल देखिए संख्या अभी तो 22,000 है। दिल्ली के जी हाँ, मैं दिल्ली की ही बात कर रही हूँ। नहीं अच्छा जी हाँ, दिल्ली सॉरी जी हाँ, दिल्ली से जो है पहले 2540 थे लेकिन अब 366 वेटिंग क्लियर हुई है तो उसमें आप ऐड कर लीजिए, अभी तक की संख्या ये है तो समझिए 2500। जी हाँ जी हाँ जी बिल प्लीज ये होंगे बताइए मुझे, ये जो है ये होंगे भाई साहब, अभी जो है ना देखिए वेटिंग लिस्ट अभी क्लियर हुई नहीं है एग्जैक्ट नंबर, बट मैं आपको जो डिटेल मेरे पास है जो संख्या मेरे पास है, बिहार से हमारे पास 226 यात्री हैं, दिल्ली से 2500 थे लेकिन अब वेटिंग क्लियर हो गई तो संख्या बढ़ गई है, हरियाणा से 1726, हिमाचल प्रदेश से 72, जम्मू कश्मीर से 675, पंजाब से 308, राजस्थान से 258, उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा संख्या है, नहीं सॉरी उत्तराखंड से संख्या ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश से 12774 इज द फिगर, जी हाँ उत्तर प्रदेश से, और उत्तराखंड से 1468 इज द फिगर, पंजाब से 308 उत्तराखंड से 1468 इज द फिगर। अभी वेटिंग क्लियर होगी इसके बाद भी संख्या बढ़ सकती है। फर्स्ट फेज में ये सब फर्स्ट फेज में जाएंगे। 6 जून का देखिए अभी तो 6 जून का है एज पर द स्केड्यूल लेकिन वो डेट एक्सटेंड हो सकती है। 12,774 जी हाँ, इस बार सऊदी एयरलाइंस ही ऑपरेट कर रही है, इस बार तो नहीं है जी सब्सिडी। दिल्ली से जाने वाले हाजियों का क्या खर्च इस बार आ रहा है? 3 लाख 350 राउंड फिगर 350 पर जी हाँ पर पैसेंजर। देखिए ऐसा है हज पॉलिसी में अगर आप देखें जो पिछले साल से हज 50,000 सस्ता हुआ है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।